बात है साल 1998 की, जब टाटा मोटर्स ने अपनी पहली पैसेंजर कार इंडिका बाजार में उतारी थी, लेकिन एक साल तक लोगों ने इसे भाव नहीं दिया और इसकी सेल्स भी कुछ खास नहीं रही। कुल मिलाकर ये कार पिट गई। तब कुछ लोगों ने रतन टाटा को कार डिवीजन बेचने की सलाह दी। उन्होंने लोगों की बात को मानते हुए कई कार कंपनियों से संपर्क किया। इनमें से एक थी उस समय अमेरिका की नामी कंपनी फोर्ड। फोर्ड के अधिकारी टाटा के मुख्यालय बॉम्बे हाउस आए और शुरुआती बातचीत के बाद रतन टाटा को फोर्ड के हेडक्वार्टर अमेरिका के डेट्रॉइट बुलाया गया। चेयरमैन रतन टाटा के साथ मैं भी वहां गया। हमने करीब 3 घंटे तक बात की, लेकिन हमारे साथ उनका रवैया अपमानजनक था। लंबी बातचीत के दौरान फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने कहा कि जब आपको पैसेंजर कार के बारे में कुछ पता ही नहीं था तो कार बिजनेस शुरू क्यों कर दिया? हम इसे खरीद कर आप पर एहसान ही करेंगे। इस घटना के बाद रतन टाटा ने उसी शाम अमेरिका के डेट्रॉइट शहर से न्यूयॉर्क लौटने का फैसला किया। इस दौरान करीब 1.5 घंटे की फ्लाइट में रतन टाटा दुखी नजर आए। वक्त बदला। इस घटना के 9 साल बाद साल 2008 में फोर्ड दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई। तब टाटा ने फोर्ड का लग्जरी ब्रांड जैगुआर लैंड रोवर यानी JLR खरीदने का फैसला किया। फोर्ड के अधिकारी बॉम्बे हाउस आए। डील $2.3 अरब, उस समय करीब 9,300 करोड़ रुपए और आज की तारीख में करीब 19,000 करोड़ रुपए में पूरी हुई। तब बिल फोर्ड ने टाटा से कहा, JLR खरीद कर आप हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। दरअसल जैगुआर लैंड रोवर से फोर्ड को भारी नुकसान हो रहा था। कुछ ही साल में टाटा इसे मुनाफे में ले गए। रतन टाटा की टीम में शामिल प्रवीण कार्डले ने किस्सा 9 साल पहले एक कार्यक्रम में सुनाया था। जी हाँ, रतन टाटा से जुड़े ऐसे ढेरों किस्से हैं, ढेरों कहानियां हैं, जिससे पता चलता है कि रतन टाटा के नाम में ही रतन नहीं लगा है, बल्कि वे बिजनेस की दुनिया के सच्चे रत्न हैं। टाटा समूह को बुलंदियों तक पहुंचाने के पीछे रतन टाटा का बड़ा योगदान है। 28 दिसंबर को उनका जन्मदिन है। ऐसे में खर्चा पानी के आज के एपिसोड में हम आपको रतन टाटा की जिंदगी से जुड़ी कई बातों के बारे में विस्तार से बताएंगे। जानेंगे कि वे कहाँ पैदा हुए, शुरुआती पढ़ाई लिखाई उन्होंने कहाँ से की, नौकरी कहाँ की और टाटा समूह की कमान कब संभाली। इसके अलावा उनसे जुड़े कई दिलचस्प किस्सों को भी आपके साथ साझा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमरावे। आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। सुई से लेकर जहाज तक बनाने वाली कंपनी की जब भी बात होती है तो टाटा समूह का नाम लिया जाता है। आप सुबह से लेकर रात तक अपनी जिंदगी के हर हिस्से में टाटा के प्रोडक्ट्स को शामिल जरूर पाएंगे। चाहे किचन में यूज होने वाला टाटा नमक हो, दिन की शुरुआत करने वाली सुबह की चाय टाटा टी हो, टाटा की दालें हो या टाटा के मसाले हो, या टाटा मोटर्स की कार हो, या घर की बुनियाद को मजबूत बनाने वाला टाटा स्टील का सरिया हो। आज की तारीख में टाटा समूह की दर्जनों कंपनियां हैं। इनमें TCS, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा केमिकल, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाइटन इंडस्ट्रीज, टाटा कैपिटल, टाटा पावर, इंडियन होटल्स, टाटा कम्युनिकेशंस, टाटा डिजिटल और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स आदि शामिल हैं। लेकिन कोई भी बिजनेस समूह रातों रात बड़ा नहीं हो जाता, इसके पीछे लगती है सालों की मेहनत। टाटा समूह को बुलंदियों तक पहुंचाने वालों में JRD टाटा के बाद जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा मेहनत की वह है रतन टाटा। आज देश के सबसे बड़े औद्योगिक घराने टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का जन्मदिन है। बेहद दरियादिल इंसान रतन टाटा 86 साल के हो चुके हैं। रतन टाटा न केवल सफल बिजनेसमैन है बल्कि एक खुश मिजाज इंसान भी हैं। उनके समाज सेवा के कामों की खूब चर्चाएं भी होती रहती हैं। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सोशल मीडिया पर उन्हें जन्मदिन की बधाई देने वालों की लाइन लगी हुई है। आम लोग ही नहीं, देश का हर छोटा बड़ा कारोबारी उन्हें अपना आदर्श मानता है। रतन टाटा से जुड़े कई दिलचस्प किस्से भी हैं, इन पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले रतन टाटा के बारे में जान लेते हैं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। नवल टाटा और सोनी टाटा के घर में पैदा हुए रतन टाटा की परवरिश की उनकी दादी ने। रतन टाटा ने 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई कैंपिन स्कूल मुंबई से की, फिर वो मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉन्वेंट स्कूल गए। इसके बाद रतन टाटा ने शिमला के बिशप कॉटन स्कूल से पढ़ाई की और 1955 में न्यूयॉर्क के रिवरडेल कंट्री स्कूल से ग्रेजुएट हुए। इसके बाद साल 1959 में उन्होंने अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। 1962 में भारत लौटने के बाद उन्होंने टाटा ग्रुप को ज्वाइन किया। विदेश से पढ़ाई करके लौटे रतन टाटा के परिवार के लोग टाटा समूह के मालिक थे। रतन टाटा भले ही टाटा फैमिली के मेंबर थे, फिर भी वो कंपनी के सारे काम करते थे। उन्होंने मजदूरों के साथ प्लांट में चूना पत्थर को भट्टियों में ढलाई का काम भी किया। रतन टाटा कंपनी के कामों की बारीकियों को सीखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हर वो काम किया जो उस फैक्ट्री में हो रहा था। अपने व्यवहार और काम से वो मजदूरों से लेकर अफसरों के बीच लोकप्रिय होते चले गए। रतन टाटा के लिए साल 1991 बेहद अहम रहा है। उन्हें टाटा सन्स और टाटा समूह के अध्यक्ष के रूप में अहम जिम्मेदारी दी गई। रतन टाटा की लीडरशिप में टाटा समूह ने खूब तरक्की की। 21 साल तक उन्होंने कंपनी का सफल नेतृत्व किया और कंपनी को बुलंदियों तक पहुंचाने में मदद की। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने कई कंपनियों का अधिग्रहण किया है। उनके लीडरशिप में
टाटा समूह ने 36 से अधिक कंपनियों का अधिग्रहण किया। इस अधिग्रहण में कोरस स्टील से लेकर जैगुआर और लैंड रोवर जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। उनकी मेहनत का नतीजा रहा है कि टाटा ग्रुप का कारोबार 100 से ज्यादा देशों तक फैला है। बिजनेस के अलावा रतन टाटा को उनके परोपकारी कामों के लिए भी जाना जाता है। रतन टाटा ने अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में करीब 233 करोड़ रुपए दान दिए थे। इससे गरीब भारतीय स्टूडेंट्स की मदद की जाती है। इसके साथ ही हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने छात्रों की मदद के लिए 416 करोड़ रुपए दान किए थे। इसके अलावा IIT बॉम्बे में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने 2014 में 95 करोड़ रुपए की राशि दान दी थी। इसके साथ ही वो हर साल काफ़ी पैसा परोपकारी कार्यों में खर्च करते हैं। अब जाते जाते रतन टाटा के बारे में कुछ दिलचस्प किस्से भी जान लेते हैं। रतन टाटा अविवाहित हैं। खास बात यह है कि उनके जीवन में 4 बार ऐसे पल आए जब वो शादी करने के करीब थे, लेकिन अलग अलग वजहों से उन्होंने शादी नहीं की। उन्होंने एक बार स्वीकार भी किया था कि जब वे अमेरिका के लॉस एंजलिस में काम कर रहे थे, तब एक समय ऐसा आया था जब उन्हें प्यार हो गया, लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध के कारण लड़की के माता पिता उन्हें भारत भेजने के विरोध में थे, जिसके बाद उन्होंने कभी शादी नहीं की। रतन टाटा को फ्लाइट ऑफ फ्लाइंग बहुत पसंद है। वे एक स्किल्ड पायलट हैं। रतन टाटा 2007 में F-16 फाल्कन चलाने वाले पहले भारतीय थे। जमशेद जी टाटा के दिनों से टाटा सन्स के मुख्यालय बॉम्बे हाउस में बारिश के दौरान आवारा कुत्तों को आने देने की परंपरा रही है। बॉम्बे हाउस में अब आवारा कुत्तों के लिए घर भी है। वे कई गैर सरकारी संगठनों और एनिमल शेल्टर्स को दान भी करते रहते हैं। रतन टाटा चाहते थे भारत के मध्यम वर्ग के लोगों के पास अपनी कार हो, इसलिए उन्होंने लखटकिया कार नैनो लॉन्च की। नैनो लॉन्च हुई लेकिन असफल रही। रतन टाटा के शानदार नेतृत्व में टाटा ग्रुप का रेवेन्यू 40 गुना से ज्यादा बढ़ गया। समूह का मुनाफा भी 50 गुना से ज्यादा हो गया। रतन टाटा के लिए काम का मतलब पूजा करना है। उनका कहना है काम तभी बेहतर होगा जब आप उसकी इज्जत करेंगे। रतन टाटा की सबसे बड़ी खासियत है उनका शांत और सौम्य बना रहना। रतन टाटा कहते हैं कि आपको किसी काम में सफलता पानी है तो उस काम की शुरुआत भले आप अकेले करें, लेकिन उसे बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए लोगों का साथ बेहद ज़रूरी है। रतन टाटा के साथ आपने एक लड़के को अक्सर देखा होगा। आए दिन रतन टाटा के साथ इनकी तस्वीरें वायरल होती रहती हैं। इनका नाम है शांतनु नायडू और ये रतन टाटा के मैनेजर हैं। अब शांतनु नायडू को बहुत से लोग जानने लगे हैं। रतन टाटा इन्हें अपने बेटे की तरह मानते हैं। शांतनु रतन टाटा के कारोबार के साथ इनके निवेश को भी देखते हैं। ये था आज का खर्चा पानी दोस्तों। ये बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।